नमस्कार, स्वागत है मनी गुरु में आपका। मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। परदेश टू स्वदेश, जी हाँ, NRI स्पेशल लेकर के आज हम मनी गुरु में आए हैं। किस तरह से अगर आप वतन वापसी के बारे में सोच रहे हैं तो किन बातों का आप ख्याल रखें, यहाँ आने के बाद किस तरह से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए ये शो खास करके देखना ज़रूरी है जो अक्सर ही बाहर से हमें मेल के ज़रिए सवाल पूछते हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो तमाम NRI व्यूअर्स हमारे जो इंडिया में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं, किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह से शुरुआत करें म्यूचुअल फंड में अपनी निवेश के पहले, इन्हीं तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनी गुरु में जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कल्पेश अशर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। और कल्पेश जी, आगे हम इस बारे में जरूर बात करेंगे कि किस तरह से निवेश की शुरुआत तमाम NRI व्यूअर्स कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ शुरुआत में करना चाहूंगी। UN की रिपोर्ट जो कि 2016 में आई थी, वो ये बताती है कि दुनिया भर में करीब 1.6 करोड़ NRIs हैं। मतलब अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो NRIs का काफी रोल है इसमें। जी, बहुत एक बड़ी तादाद में हमारे भारतीय विदेश में रह रहे हैं, और जैसे आपने जो रिपोर्ट की बात की और जो उसमें आंकड़ा निकल के आया है कि तकरीबन 1.60 करोड़ NRIs आज भारत के बाहर हैं, और उनका जो एक रोल है, योगदान है उनका अपने देश, अपने वतन में रेमिटेंसेस भेजने का, वो बहुत ही अमूल्य है। और उनकी वजह से आज काफ़ी सारी एक जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स हैं वो हम जुटा पाए हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारे कारण भी होते हैं कि बहुत सारे जो NRIs हैं वहाँ पे अच्छी तरह से स्थायी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे भी NRIs हैं जो आज वतन वापसी की इच्छा रखते हैं। तो उसके बारे में बात करना बहुत ही मुनासिब रहेगा कि NRIs ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ पे इतना अच्छा सिचुएशन होने के बावजूद वो वतन वापसी की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने पॉइंट अभी उठाया कल्पेश जी कि कई रीजंस होते हैं, आपकी नज़र में वो कौन से इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके चलते लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं? देखिए शालिनी जी, इसमें जो है वो दो तीन किस्म के रीजंस होते हैं, और हर एक NRI इनफैक्ट जो ये जब सोचता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा एक निर्णय होता है। सबसे पहले जो निर्णय होता है वो हम एक अपनी मर्जी से जो लोग वापस आना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद एक जाहिर सी बात है कि वो अपने वतन की याद आती है कि अब बहुत हो गया, अब हमें वापस जाना ही है। तो वो एक जो वतन की जो एक कल्पेश जी, एक एक करके मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर आऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से आपने कहा वतन वापसी लोग करना चाहते हैं, इसके अलावा मजबूरी की वजह से भी लोग वापस आना चाहते हैं, और जैसा अभी हमने व्यूअर्स को दिखाया भी तीन रीजन मोस्टली होते हैं, अपनी मर्जी से, मजबूरी की वजह से, या फिर कोई अनिश्चितता हो सकती है फ्यूचर को देखते हुए, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ये मेरे ख्याल से तीन सबसे अहम रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, तीन रीजंस हैं। एक तो जैसे आपने बताया मर्जी, मजबूरी और अनिश्चितता, और इसमें तीन तीन या दो तीन कारण हम वन बाय वन बात कर सकते हैं। चलिए, तो अपनी मर्जी से वापस आने वाले लोगों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो लोग खुद यहाँ पर आ रहे होते हैं, और यहाँ आने के बाद भी क्या उनके लिए बहुत आसान होती है क्योंकि यहाँ आने के बाद भी विकल्प तो ढूंढने ही पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। और जैसे मर्जी से, पहले तो मैं वही बोला कि आपका जब वहाँ पे रिटायरमेंट की एज नज़दीक आती है तो सबको जाहिर सी बात है अपने वतन वापस आना होता है। जो अपने परिवार से दूर रह रहे होते हैं उनको परिवार से बहुत एक लगाव तो होता ही है, तो उनको अब बाकी की जो ज़िंदगी है अपने परिवार के साथ बितानी होती है। दूसरा एक जो कारण है वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो एक जीवन शैली है, भारत में जो जीवन बिताने का एक स्तर है, वो एक विदेश के मुकाबले पहले से, पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हो गया है। तो बहुत सारे NRIs भी ये सोचते हैं कि अगर हम चंद पैसों के लिए अपने देश से अलग रह रहे हैं तो उतना हम अपने देश में भी आज अच्छी एक आमदनी कमा सकते हैं, अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों हम अपने परिवार से दूर रहें। तो वो भी अपनी मर्जी से वापस आ जाते हैं क्योंकि अपनी इकोनॉमी जो है पिछले 5-7 सालों में बहुत ही अच्छी हो रही है, आमदनी बढ़ गई है सबकी। तीसरा एक वजह जो होती है वो ये है कि
काफी टाइम पे हमने देखा है कि वहां पे जब परिवार उनके साथ रहता है तो महंगाई का दर जो वहां पे भी है बहुत हाई चल रहा होता है, तो उतनी आमदनी में वो अपने परिवार को सहारा उनके साथ फॉरेन शोर्स पे नहीं दे सकते, तो उनका परिवार का एक हिस्सा मतलब उनकी अगर फैमिली में बीवी या उनका बच्चा है तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप उधर कंटिन्यू करते हैं, तो एक पार्ट रिटर्निंग भी हो जाती है अपनी फैमिली की। तो ये बात हो गई जो अपने मर्जी से लोग वापस आते हैं। दूसरी बात जो हम बता रहे हैं वो होती है मजबूरी से, तो उसमें ये होता है कि जब आपकी नौकरी छूट जाती है वो तो कहीं पर भी हो सकता है, या फॉरेन शोर्स में हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का 4 साल का, तो आपका जो करार होता है वो ख़त्म होता है तो आपको वापस आना ही पड़ता है। एक और जो एक अहम हिस्सा है वो है कि बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज में जो रोजगार की नीतियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं यूएस में जो वीजास के जो रूल्स हैं, तो उसकी वजह से अगर फिर उसमें एक बदलाव होता है उसमें कुछ रूल्स फिर जाते हैं तो हमको कोई भी चारा नहीं रहता, एनआरआईज को उनको वापस आना पड़ता है। ब्रेग्जिट जैसी कोई इवेंट हो जाती है, हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं टेररिज्म का एक माहौल किसी गल्फ कंट्रीज में अगर है तो वहां पे डर के वजह से कोई एनआरआईज बोलते हैं कि हमें नहीं रहना है विदेश में, अपना देश ही ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा एक वजह होती है जो मजबूरी में आना पड़ता है कि यहाँ पर जो परिवार इनका रह रहा है तो पारिवारिक कारणों की वजह से परिवार में कोई तनाव है, झगड़ा है, मनमुटाव है, तो उसके वजह से भी बोलते हैं कि परिवार को पहले हमें अहमियत देनी चाहिए, तो उसकी वजह से जॉब छोड़ के आनी पड़ती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, कभी कभी दुर्घटनावश वहाँ पे मृत्यु हो जाती है देश में किसी एक परिवार जन की, तो फुल सपोर्ट करने के लिए वापस आना पड़ता है। तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एनआरआईज को देश वापसी करनी पड़ती है। करियर में जो ग्रोथ हो रही है क्या उसमें एक ठहराव भी इसकी एक बड़ी वजह आपको समझ में आता है, क्योंकि अगर आप फॉरेन गए हैं वहाँ आप एक बढ़िया और ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं वहाँ पर, लेकिन एक वक्त के बाद आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वापस आप अपने देश ही चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अहम बात आपने कही, क्योंकि करियर की जो ग्रोथ है ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए सब सही ही आगे आए। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो एक करियर की एक ग्रोथ की एक पैटर्न अगर सोच के रखी है उसके हिसाब से आपका करियर आगे नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप एक ठहराव आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी। और जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे देश में बहुत ही ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं कि विदेश से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, तो आदमी ये भी करता है कि 3-4 साल वहाँ पे रह के उनको सेटिस्फैक्शन ना हो उसकी वजह से वापस आ जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे भी एक सफिशिएंट नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, तो ये सारे मैटर जो है वो ध्यान में रखकर एक देश वापसी का एक बड़ा निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल, तो वजह कुछ भी हो सकती है, आपके वतन वापसी की हो सकता है, आपको अपनों की याद सता रही हो, वापस आप इसलिए आना चाहते हो अपने देश, या फिर हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, अनिश्चितता हो, जैसे कि हमने तमाम पॉइंट्स के ऊपर चर्चा भी की, लेकिन वजह चाहे जो भी हो यहाँ आने का जो आपका फैसला है वो सही साबित हो इसके लिए आपको तैयारी इसकी ठीक ढंग से करनी होती है। और कल्पेश जी, जैसा हम बात भी कर रहे हैं, अगर कोई वापस भारत आ रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, किन पॉइंट्स के ऊपर उसे डिस्कशन अपनी फैमिली के साथ बैठ करके करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये जो डिसीजन है ये सही साबित हो? ये बहुत ही एक बड़ा डिसीजन होता है जिसके जो इसके जो प्रभाव होते हैं उनके परिवार के ऊपर होते हैं, क्योंकि ना तो सिर्फ ये एक फिजिकल चेंज होता है, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं सब भी एनआरआईज को यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये सोच रहा है तो अपने परिवार के साथ एक बहुत ही डीप डिस्कशन, बड़ी चर्चा की जाए कि हम जो ये निर्णय ले रहे हैं इस निर्णय में हम सब साथ हैं और आगे चल के हमारी एक जीवन शैली में बड़ा बदलाव आने वाला है। हम पहले फॉरेन में रहते थे, हम अपने देश वापस जा रहे हैं। इसमें भी हमने देखा है कि एक साइकोलॉजिकल बात मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो वहां की जीवन शैली से हम वहां पे एक एडजस्टमेंट हो चुकी होती है, बहुत ही ईजी जीवन शैली होती है, और यहां पर जब हम वापस आते हैं तो हमें पता है कि भारत में
काफी सारी चीजों में डॉक्यूमेंटेशन में हो गया या किसी चीज में भी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, विदेश जैसा माहौल नहीं रहता, तो वहां पे भी अपने बच्चों के साथ आप पहले बात कर लीजिए कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं क्या इसके लिए हम सब साथ में तैयार हैं। क्योंकि इसका एक कारण ये, मैं इसके ऊपर जोर देना चाहता हूं कि जब हम ये डिसीजन लेते हैं, मान लो हमारे बच्चे 7-8 साल के हैं और उन्होंने तो इतनी समझ होती नहीं है, तो वो हमारे साथ जाहिर सी बात है हाँ ही बताएंगे कि चलो जहाँ पे हमारे पिताजी और माताजी रहते हैं हम वहीं पे रहेंगे। लेकिन मान लो कि अगर 6-7 साल के बाद वो इंडिया आए और एडजस्ट नहीं हो पाए, तब उनकी उम्र 14-15 साल की हो और आज के जमाने में हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ही समझदार हो गए हैं, तो तब जाके वो अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, हम तो तकलीफ में आ गए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सी चीज़ है, तो परिवार के साथ बात करना ज़रूरी है। दूसरी बात कि हम वहां जब डिसीजन लेते हैं कि हमें जॉब छोड़ के आनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सी जॉब लेनी है, कौन सा बिजनेस करना है, उसका एक पहले से तय करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आके हमारी इनकम पहले दिन से तो शुरू नहीं होने वाली, तो ये एक सिक्योरिटी होनी जरूरी है। तीसरी बात कि हम रहेंगे कहाँ, कि काफ़ी केसेस में NRI जो बहुत सेटल्ड होते हैं तो वो तो अपने घर ले चुके होते हैं, लेकिन घर उन्होंने लिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट के घर जो होते हैं वो टाउन या सिटी में नहीं होते जहाँ पे हब होता है, जहाँ पे आपकी प्रोफेशन होने वाली है या जॉब होने वाली है। तो हम क्या वो घर बेच के फिर एक नॉर्मल सिटी या टाउन में रहेंगे जहाँ पे हमारी रोजी रोटी चलती हो, तो वो रहेंगे, या तो किसी के अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, आपको आके टेम्पररी रेंट पे रहना है या परमानेंट भी रेंट पे रहना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। तीसरी अहम चीज़ है, अगर आपका आपके परिवार में बच्चे हैं तो वो यहाँ आके इमीडिएटली अपना जो एक शिक्षण है, अपना एजुकेशन है, वो तुरंत ही शुरू कर पाए, उसमें कोई बीच में दिक्कत ना हो, इंटरप्शन ना हो, क्योंकि उनके एजुकेशन को डिस्टर्ब करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो ये भी सिक्योर होना चाहिए कि उनका जो एडमिशन है स्कूल में वो ले लेना चाहिए। तो ये तीन एक बहुत बड़े स्टेप्स है कि हम जब NRI कोई सोचता है कि हमको घर वापसी करनी है, वतन वापसी करनी है, तो ये 3-4 चीज़ें तो पहले ही सोच लेनी चाहिए। बिल्कुल। और कल्पेश जी, जब आप वापस आ रहे हो तो क्या आपका जो पोर्टफोलियो है उसे रिव्यू करना भी जरूरी हो जाता है? क्योंकि हो सकता है आप फॉरेन में रह रहे हैं तो वहां आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो, यहाँ पे भी आप NRI होते हुए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स, और हो सकता है जब आप यहाँ रहने लगे तो उन चीजों में डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, तो क्या पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, और यही तो मेन एक मुद्दा है, एक बात है। तो ये तो हमने चीज़ें जो पहले बताई वो तो आपके एक रहन सहन के लिए आप यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल जो एक आपकी प्रोफाइल है, आपका जो निवेश आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और NRI ज़रूरी नहीं है कि सारा निवेश भारत में ही करते हैं, वो तो जो वेल सेटल्ड NRIs हैं वो तो फॉरेन शोर्स पे भी, विदेश में भी अपना निवेश करते हैं। तो जब आप ये निर्णय लेते हैं कि हमें वापस भारत आना है, तो हमें एकजुट पूरा जो भी अपना एक निवेश है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसको पूरा रिव्यू करना ज़रूरी है। और जैसा आपने बताया है कि जब हम भारत आते हैं तो उसके जो दूसरे पहलू होते हैं, इम्प्लिकेशंस होते हैं, वो बहुत ही उसके ऊपर जोर देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो होता है कि जब हमारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जब हम NRI होते हैं तो हमारे NRE मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल और NRO अकाउंट होते हैं, तो हमारा ये एक जिम्मा है, जिम्मेदारी है कि हम उसको एक रेसिडेंट अकाउंट में पहले 6 महीनों में ही कन्वर्ट कर दे। बहुत सारे NRIs को हमने देखा है कि वो आके अपने स्टेटस को बदलाव नहीं करते और वो एक लॉ को वायलेट करते हैं, तो वो अकाउंट चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। निवेश की जो आपने बात की, वहाँ पर एक और चीज़ वापस मैं कहना चाहता हूँ, जो निवेश जब एक NRI के स्तर पे आप करते हैं तो वो आप ये सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म है, और आप ऐसे निवेश कर बैठते हैं कि जिसमें इजी आप एक रेगुलर इनकम नहीं मिलती, तो आप रियल एस्टेट में निवेश करते हो या गोल्ड में निवेश करते हो, तो आपको फिर आके ये सोचना होता है अब ये इन्वेस्टमेंट से हम अपनी जो इनकम है वो कैसे जनरेट करें जब तक हमारी कोई प्रॉपर जॉब या प्रोफेशन शुरू नहीं होता। तो एक पूरा पोर्टफोलियो का रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशंस आप एक NRI के तौर पे करते हैं, वेदर आप रिटर्न्स फाइल करते हो नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आके तो आपको मैंडेटरीली आपके रिटर्न्स फाइल करने होते हैं 1 साल के बाद जब आपकी आमदनी शुरू हो जाती है, तो वो भी आपका जो टैक्स कंप्लायंस है वो चेंज करना है, बैंक अकाउंट चेंज करने हैं, आपका जो स्टेटस है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हम जो फैटका का करते हैं, CRS का रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो सारा बदलाव आपकी एक इनिशिएटिव लेके आपको
करना होता है, किसी के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप लॉ के दूसरे साइड पे आ जाएंगे और अननेसेसरी अपने लिए सारी दिक्कतें पैदा कर बैठोगे। इसके अलावा कल्पेश जी, जरा इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस भी व्यूअर्स को समझाइए, क्योंकि हो सकता है चीजें वैसी सामने ना आए जैसे मैं फॉरेन से सोच करके आई थी, जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक मेरी जिंदगी हो सकता है शुरुआती कुछ महीनों में ना चले, तो ऐसे में इमरजेंसी फंड की कितनी जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है और कितना इमरजेंसी फंड मेरे पास होना चाहिए? बहुत बहुत ही एक अहम प्लानिंग का हिस्सा है जब एक NRI वापस आता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जब हम वापस आते हैं तो जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग के जो मापदंड है उसके हिसाब से तो हम कहते हैं कि आपके पास 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके खर्चों का, जो एक मुश्त अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जब आप वापस आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको सेटल होने में ही आपके पैसे लग जाते हैं, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले अगर आपको एक किराए पे घर लेना है, रेंट पे लेना है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट देनी पड़ती है। दूसरा, आपका जो रोज़मर्रा का खर्चा है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। आपके जो बच्चों की फ़ीस है तो आपको मान लो कि 1 साल की फ़ीस का एक प्रावधान करके रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लो, प्लस अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपको एक अमाउंट साइड पे रखनी होगी। और मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो एक सफिशिएंट हेल्थ कवर अपने लिए और अपने परिवार के लिए ले लें। वहाँ पे जो आप ओवरसीज लेते थे, अगर उसका प्रोविजन ग्लोबल नहीं है तो आपको वो दिक्कत भी आ सकती है, और भगवान न करे अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपका जो पूरा फोकस फाइनेंशियल और पर्सनल आपके हेल्थ की तरफ चला जाएगा और आपका जो पूरा प्लानिंग है वो पूरा बिखर सा जाएगा। तो एक कंटिजेंसी फंड की जो आपने बात की, मेरे हिसाब से तो जब आप NRI के तौर पे यहाँ आए उसके पहले तकरीबन 1 साल का जो आपका खर्चा है उसका पूरा एक हिसाब आप लगा लें। आपके जो खर्चे होने वाले हैं, भले ही आप थोड़ा अपना हाथ तंग रख के खर्चे करें, एक साथ पूरा खर्चा ना कर दे, तो जब तक आपकी एक रेगुलर इनकम शुरू नहीं होती, मेरे हिसाब से मिनिमम 1 से 1.5 साल का तो आपको एक कंटिजेंसी फंड रखना ही चाहिए, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखना ज़रूरी है जहाँ पर आपको ईजी लिक्विडिटी हो सके। तो अगर आपने अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट में पूरा इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो रियल एस्टेट को आपको बेचने में ही समय लग सकता है। तो निवेश भी आप पहले से ऐसा करें कि आप NRI अगर हैं और आपको मान लो 3-4 साल के बाद भी अगर वापस आना है तो फाइनेंशियल असेट्स जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे इमीडिएटली आ सकते हैं, वैसा एक प्लानिंग करके चलें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि अगर मेरे पास कोई अकाउंट है, जैसे इसके पहले हमने NRE और NRO अकाउंट की बात की, वापस जब मैं इंडिया आती हूँ कितना वक्त मेरे पास होगा इस अकाउंट को बदलने में, कितना गवर्नमेंट मुझे वक्त देगी और इसका प्रोसीजर कैसा होता है? सो इसका जो एक रूल है वो तो यही है कि जब विद इन तकरीबन 6 महीनों के अंदर तो आपको जाके डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि आपकी जो स्टेटस थी पहले NRI की, अब वो एक नॉर्मल रेसिडेंट की हो चुकी है, और इमीडिएटली आप जो अपने बैंक अकाउंट्स है वहाँ पे बैंक में जाके आपको अभी डिक्लेरेशन करना होगा कि आप एक NRI अब नहीं है, और जो आपका NRE और NRO अकाउंट है वो एक रेसिडेंट अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। तो जैसे ही ये होता है आपका जो भी फंड्स वगैरह है वो इंडियन टैक्सेशन के दायरे में, आप एक नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे अपना टैक्सेशन भरना शुरू कर सकते हैं। उसी साल से अगर आपकी आमदनी वहाँ पे जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड्स आ रहा है तो वो भी आपको डिक्लेयर तो करना है। लेकिन जैसे आपने पूछा, मेरे हिसाब से तो 6 महीने का एक वक्त लेके चले, उसके भीतर ही आप अपने सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको कन्वर्ट करके एक रेसिडेंट स्टेटस पे लेके आए। और दूसरी बात, अगर आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, आपके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन तो देना ही है कि अब आप रेसिडेंट हो चुके हो, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी बदल चुका है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो आपको एक अपने ऊपर एक सीरियसली लेके आपको सामने से चल के ये करना बेहतर होगा। अच्छा, अगर फाइनेंशियल प्लानर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका कितना रोल होता है? क्योंकि देखिए, ये पूरा जो खेल है वो पैसे का ही है। ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, मनी के लिए, वहाँ जाकर के हम अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे, और अब जबकि आप वापस आ रहे हैं तो ऐसे में किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह की जो ज़रूरत है वो कितनी बढ़ जाती है? ये बहुत ही एक डेलिकेट क्वेश्चन है,
और इसमें हमने देखा है कि जो भी क्लाइंट्स हमारे पास NRIs जो वापसी करके आते हैं भारत देश में, तो वो स्टेज पर आते हैं जब उन वो ऑलरेडी मान लो कि 6 महीने या 12 महीने के बाद हमसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि उनके जो एग्जिस्टिंग, जैसे हमने पहले कंटिजेंसी फंड साइड पे रखने की बात की, तो वो अगर उनका प्लेस पे नहीं है, उनके जो स्टेटस डिक्लेरेशंस है वो नहीं हुई है, तो उसके लिए काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है वो सारी चीज़ों को पटरी पे लाने के लिए। तो उसके अलावा भी अगर हम देखें कि एक अगर NRI अगर चाहता है, आइडियल सिचुएशन की मैं बात करूँगा कि NRI अगर चाहता है कि मान लो उसे 1-2 साल के बाद अगर आना है और उसी वक्त वो एक लोकल इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर से कांटेक्ट कर ले, तो दोनों एक साथ मिलके एकजुट होके काफ़ी सारी जो उनकी प्लानिंग है वो कर सकते हैं, जो उनके सारे लीगैलिटीज हैं, जो कानूनी जो सलाह देनी है, प्लस जो उनके बैंक अकाउंट्स में जो भी एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको पूरी कर सकते हैं। और जब वो NRI वापस आए तब तक तो पूरा उनका जो प्लान है पूरा लेड आउट है। और इसके अलावा जो एक फाइनेंशियल गोल्स की हम बात करते हैं शालिनी जी, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर NRI एक लोकल वापस इंडिया में आता है तो उसके फाइनेंशियल गोल्स डिस्टर्ब ना हो। तो इसके वजह से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ आने के पहले फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल, और अब दोनों जो हमने खातों की बात की है, इन दोनों का भी थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में चाहूंगी आप बताएं कि NRI खाता क्या होता है, NRO क्या होता है, बहुत शॉर्ट में। सो NRI खाता वो होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल खाता होता है एक NRI का, जहाँ पे वो जो अपने ओवरसीज फंड्स हैं वो रेमिट करता है और वो फंड जो होते हैं वो वापस रिपैट्रिएट कर सकता है, मतलब वापस विदेश भेज सकता है इंडिया से। और NRO में भी वो बाहर से फंड्स भेज सकता है, लेकिन जो NRO अकाउंट है वो उनका नॉर्मल इंडिया अपने जैसे रेसिडेंट होते हैं वैसा एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। वहाँ से अगर आपको विदेश वापस पैसे भेजने हैं तो CA सर्टिफिकेट और बहुत सारी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो हम यही सलाह देते हैं कि अगर आपको जो पैसा लोकल यूज़ के लिए चाहिए तो NRO में रखिए, लेकिन अगर आपको रिपैट्रिएशन मतलब वापस पैसा लेके जाना है तो NRE में आप रख सकते हैं। तो दोनों अकाउंट रखना ज़रूरी है एक NRE के लिए। बिल्कुल, दोनों ही अकाउंट रखना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन वतन वापसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं उस स्थिति में NRO खाता आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है, NRE अगर आपके पास अकाउंट है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया कल्पेश जी हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। आई एम श्योर मेरे जो व्यूवर्स हैं जो हमेशा ही बाहर से हमें सवाल भेजते हैं और जानना चाहते हैं कि अपने पैसों को कहाँ लगाएं और जब वापस आएंगे तो कहीं उनके लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी होगी, उन सभी को आज का शो देखने के बाद जरूर पूरी तरह से सलाह भी मिल गई है और आप वो लोग शायद निश्चिंत भी हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।